हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ऑनली पोर्टेंट। तो आज मैं रिपीट के बारे में बताने वाला हूँ कि घर पे रिपीट कैसे करें और रिपीट कैसे बनाएं। तो हम आज एल्युमिनियम रिपीट की बात करने वाले हैं, यानी एल्युमिनियम का रिपीट घर पे कैसे बनाएं और रिपीट कैसे करें। तो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारे पास जो है कि एल्युमिनियम का वायर है और ये जो है 6 mm मोटा है, आप इसको देख सकते हैं। और ये 6 mm मोटा है और इससे मोटा 8 mm आता है, उससे मोटा जो है कि 10 आता है और दो दो करके बढ़ता चला जाता है, 12, 14, 16 ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो ये जो है कि हमारे पास 6 mm मोटा वायर है। तो हमें जैसे जिस भी छिद्र में या किसी बर्तन में छिद्र है या कहीं भी छिद्र है, अगर उस छिद्र को हमें एल्युमिनियम रिपीट की सहायता से लॉक करना है तो हम कैसे लॉक करेंगे। तो पहले क्या करना है कि छिद्र की मोटाई देख लेनी है कि छिद्र का होल कितना बड़ा है, कितना मोटा है। तो उसकी मोटाई हमें देख लेनी है और मोटाई देखने के अनुसार जितना मोटा है लगभग उतना मोटा हमें जो है कि उससे हल्का ढीला या उतना मोटा हमें जो है कि एल्युमिनियम वायर यानी एल्युमिनियम के तार की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए ये जो है कि हम जो है कि हमारे पास एक कटर है, तो मान लीजिए ये है और इसमें मान लीजिए एक होल है जो कि एल्युमिनियम वायर के बराबर है, जो हम एल्युमिनियम वायर लिए हैं इसके बराबर इसमें होल है। तो मान लीजिए इसमें हमें रिपीट लगाना है तो कितना बड़ा हम काटेंगे। तो ये देखिए जैसे ये है तो इससे हम थोड़ा बड़ा काटेंगे, तो जैसे एक हम पीस थोड़ा छोटा में काटे हैं, ये देखिए इससे थोड़ा थोड़ा बड़ा काटेंगे। ये देखिए जो है कि ये देख सकते हैं आप जो है कि ये पीस छोटा हमने काट रखा है और ये पीस आप देख सकते हैं कि इस प्लायर के इस पार से उस पार हो जा रहा है। तो हमें ऐसा ही पीस काटना है। तो मान लीजिए किसी छिद्र में डालना है तो छिद्र की मोटाई के अनुसार छिद्र कितना लंबा है, जैसे यहाँ से इसकी लंबाई है इस साइड से इस साइड तक, तो कितना लंबा छिद्र है उस हिसाब से इसको लंबा काटना है और यहाँ छिद्र में डाल लेना है। छिद्र में डालने के पश्चात हमें ध्यान देना है कि इस पर ऐसा प्रहार करना है, यानी ऐसा चोट ऊपर से लगाना है कि जो है कि ज़्यादा एक ही बार में फैल ना जाए, धीरे धीरे हमें चोट लगाना है। और इसको छिद्र में डालने के बाद दोनों तरफ से बारी बारी से जो है कि चोट लगाना है और उससे क्या होगा कि ये जो एल्युमिनियम का वायर है ये रिपीट की भांति काम करेगा और जो है कि ये जो है कि दोनों तरफ से दबता हुआ चला जाएगा और जिस छिद्र में आप लगाए हैं उस छिद्र को ये लॉक कर देगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी हमारे पास लोहे का रिपीट नहीं होता है, तो हम वहाँ क्या करते हैं कि लोहे का किसी जो है कि बोल्ट को, जो लंबा वाला बोल्ट होता है उसको हम लोग वहाँ डाल के, या कटे हुए बोल्ट को या बीच से काट के लंबा सा लोहे का रॉड डाल के हम वहाँ जो है कि दोनों साइड से थर देते हैं, यानी उसको चोट कर देते हैं, तो वो पूरा रिपीट टाइप दोनों तरफ से लॉक कर लेता है। तो इस तरीके से हम जैसे लोहे का रिपीट बनाते हैं उसी तरीके से हम एल्युमिनियम का भी रिपीट बना सकते हैं। तो एल्युमिनियम के रिपीट बनाने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि जैसा होल है उस होल के मोटाई के अनुसार जो है कि हमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी और होल कितना लंबा है वो, तो जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा होल का गहराई है तो हमें इसको लंबा काटना होगा। तो अगर आप इस तरीके से देसी जुगाड़ से रिपीट लगाना चाहते हैं तो घर पे भी आप रिपीट लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ में एल्युमिनियम रिपीट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो है कि एक होगा आपके होल के अनुसार जो है कि वायर, और उसके साथ साथ हमें ये कटिंग टूल चाहिए जो कि वायर को काटे, और काटने के बाद उसके बाद आगे का प्रोसेस हम जो है कि रिपीट कर जब भी करेंगे तो उसका वीडियो हम बना के जल्द से जल्द अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो जो है कि आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ऑमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।